जनपद शामली में गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक की भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार तीन युवकों में से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दोनों युवकों की गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया और मृतक युवक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें, घटना जनपद शामली के थाना आदर्श मंडी क्षेत्र के गाँव रामड़ा के समीप की है, जहाँ पर बाइक और गन्ने से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार तीन युवकों में से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें डायल 100 पुलिस ने उपचार के लिए जिला चिकित्सालय शामली में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। आपको बता दें कि तीनों युवक शामली में मजदूरी का कार्य करते थे और शाम को मजदूरी कर अपने गांव सिलावर लौट रहे थे, तभी उनकी गन्ने से लदे ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर हो गई, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मृतक युवक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जितेंद्र जी, कहाँ के रहने वाले हो? सिलावर के। क्या मामला हुआ जो एक्सीडेंट में दो युवक घायल हुए, एक की मौत हुई है? सर जी, ये गांव में जा रहे थे जी और ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ टक्कर हुई इनकी। अच्छा, कितने आदमी थे बाइक पे? ये तीन आदमी थे जी। अच्छा, सर मौत हुई है, उसका नाम क्या है? अंकित है जी। कहाँ का रहने वाला है? सिलावर का जी। और जो दो घायल? शामली जनपद के आदर्श मंडी थाना क्षेत्र में एक ट्रैक्टर ट्रॉली और एक बाइक सवार के बीच में एक्सीडेंट हो गया था, इसमें एक युवक की मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में थाने पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, विवेचना की जा रही है।